नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी आज से अगले 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। वहीं इसके विरोध में यूथ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मनाने जा रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज सरकार की ओर से 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी के जन सेवा के 2 दशक पूरे हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी की ओर से 20 दिन का सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। मोदी के पीएम और सीएम पद पर रहते हुए 7 अक्टूबर को 20 साल पूरे हो रहे हैं और इसी वजह से ये 20 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आए थे। तब से मोदी लगातार संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में एक विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीके के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि एक दिन में टीकाकरण के सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट जाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर देश भर के पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता टीकाकरण में लोगों की मदद करेंगे। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज राज्य भर में विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग आज 30 लाख वैक्सीन की डोज लगाएगा। वहीं कांग्रेस की युवा इकाई ने आज पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने का फैसला लिया है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तहत देश भर में संगठन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई थी, पर आज केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से मौन है। देश में एक साल में बेरोजगारी दर 2.4% से बढ़कर 10.3% हो गई है। सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन, लेकिन कांग्रेस इसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी का 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर तरह तरह के कार्यक्रम बीजेपी में रखे गए हैं। बूथ स्तर से लेकर हाई लेवल तक तमाम यहां पर जो अभियान है वो चलाए जाएंगे। वैक्सीनेशन को लेकर सबसे बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो या दिल्ली हो, यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनको लगातार बधाइयां मिल रही हैं। ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो 71 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर साल की तरह वो अपनी माता जी से मिलने के लिए पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बहुत ही साधारण तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन किस तरह से वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी लगातार आज तेजी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की शिखर बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा, सहयोग और संपर्क सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहले ही दुशांबे में है। शिखर बैठक के बाद संपर्क बैठक होगी। इस दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा, सहयोग और संपर्क सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि SCO परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों की 21वीं बैठक शुक्रवार को हाइब्रिड प्रारूप में दुशांबे में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और वीडियो लिंक के जरिए शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। और दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। मंत्रालय के अनुसार SCO की शिखर बैठक में सदस्य देशों के नेताओं के अलावा पर्यवेक्षक देश संगठन के महासचिव, SCO क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे के कार्यकारी निदेशक,
तुर्केमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। दुशांबे में जयशंकर एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों की अफगानिस्तान पर एक बैठक में शामिल होंगे। पहली बार एससीओ की शिखर बैठक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की जा रही है और ये चौथी शिखर बैठक है जिसमें भारत एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हिस्सा ले रहा है। हाइब्रिड प्रारूप के तहत आयोजकों के कुछ हिस्से को डिजिटल आधार पर और शेष हिस्से को आमंत्रित सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के माध्यम से संपन्न किया जाता है। वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि संगठन इस साल अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। तो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। शिखर बैठक के बाद एक संपर्क बैठक भी की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज होने जा रहा है और इस पूरे संगठन को 20 साल पूरे हो रहे हैं। 20 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी तो ऐसे में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ रहा है। मुंबई के बांद्रा कुंड्रा कॉम्प्लेक्स इलाके में मेट्रो का निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा शुक्रवार सुबह 4:44 पर हुआ। यहां रात में मेट्रो का काम चल रहा था। हादसे में 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें विंदेसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है और फिलहाल यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मौके पर पहुंचकर दमकल अधिकारियों ने अभियान शुरू कर दिया है और फायर ब्रिगेड की टीम सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। हालांकि अब तक काफी लोगों को निकाला जा चुका है। हादसे के दौरान मेट्रो के ब्रिज पर काम चल रहा था। कुछ मजदूर ब्रिज के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ नीचे। ऊपर काम कर रहे मजदूर ब्रिज गिरने के दौरान सरिया पकड़कर कूद गए, कुछ बगल में मौजूदा पानी की टंकी में गिर गए और कुछ लोग पुल के नीचे दबने से जख्मी हो गए। इस तरह 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ा हादसा मुंबई में हुआ। आप बता दें कि यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा था और निर्माणाधीन पुल गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें करीब 21 से ज्यादा लोग घायल हैं। कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और जो भी हिस्सा गिरा है उसे हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में मेट्रो का काम तेजी के साथ बढ़ रहा है और इससे पहले भी इस तरह के हादसे देखे गए हैं। मुंबई के बांद्रा कुंड्रा कॉम्प्लेक्स में दरअसल यह हादसा हुआ जहां पर मेट्रो का काम चल रहा था, निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा और बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह सुबह यह हादसा हुआ है। यहां रात में मेट्रो का काम चल रहा था। हादसे में 21 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है जिनमें से कईयों की हालत गंभीर है। बाकी और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मौके पर पहुंचकर दमकल अधिकारियों ने बचाव अभियान शुरू किया है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। हादसे के दौरान मेट्रो के ब्रिज पर काम चल रहा था, कुछ मजदूर ब्रिज के ऊपर थे और कुछ नीचे काम कर रहे थे। इस दौरान कुछ मजदूरों ने जो ऊपर काम कर रहे थे उन्होंने सरिया पकड़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन कुछ यहां पर घायल हो गए हैं जो पुल के नीचे काम कर रहे थे। तो 21 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोविड-19 मामलों में गिरावट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए फिजिकल मोड में क्लासेस फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा के स्कूल अगले सप्ताह यानी कि 20 सितंबर 2021 से कक्षा 1 से 3 के लिए फिर से खुलने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने छात्रों के लिए उपस्थित अनिवार्य नहीं की है। दरअसल इस दौरान जो छात्र फिजिकल क्लासेस में नहीं आना चाहते उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी जारी रहेगा। ये आदेश सभी सरकारी, निजी और सहकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू हैं। बता दें कि 1 सितंबर 2021 से राज्य में कक्षा 4वीं और 5वीं के लिए स्कूल फिर से शुरू कर दिए गए थे। इसके अलावा सरकार ने 23 जुलाई 2021 से कक्षा 9 से 12वीं के लिए फिजिकल क्लासेस को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी थी। हालांकि सीएमओ द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार इस दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने गुरुवार को स्कूल खोलने के निर्णय की घोषणा की थी। इसके साथ ही क्लासेस में भाग लेने के लिए छात्रों को अपने माता पिता से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है। स्कूल खोलने के निर्णय की घोषणा के साथ ही कोविड-19 गाइडलाइंस भी जारी की गई है। यानी कि हरियाणा सरकार एक बार फिर से
जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोलने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी कोशिश की गई थी लेकिन मामले एकदम से बढ़ने शुरू हुए, इस वजह से ये फैसला वापस ले लिया गया था। लेकिन यहाँ भी ऑप्शन है, जो अभिभावक अपने बच्चों को फिजिकल क्लास अटेंड करने नहीं देना चाहते वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और बाकी 9वीं से जो 12वीं तक की क्लास है वो तो चल रही है, लेकिन ऐसे में जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि अपने माता पिता से हस्ताक्षर करवाएं और लिखित में अनुमति लेकर आएं। दरअसल कोविड-19 के मामले जो हैं एक बार फिर से कम होने लगे हैं, तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए फिजिकल मोड में क्लासेस फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा के स्कूल अगले सप्ताह यानी कि 20 सितंबर 2021 से कक्षा पहली से तीसरी तक के लिए फिर से खुलने जा रहे हैं। सरकार ने छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं की है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको आना ही आना है। इस दौरान जो छात्र फिजिकल क्लासेस में नहीं आना चाहते उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन लगातार जारी है, जो पिछले एक साल से चल रहा है। ये आदेश सभी सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू होंगे। बता दें कि 1 सितंबर 2021 से राज्य में कक्षा 4वीं और 5वीं के लिए स्कूल फिर से शुरू कर दिए गए थे। इसके अलावा सरकार ने 23 जुलाई 2021 से कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए फिजिकल क्लासेस को मंजूरी दी थी। सेमो द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार इस दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। बच्चों के लिए स्कूलों में तमाम जो नियम हैं उनको फॉलो करवाना है, बच्चों को समझाना है कि किस तरह से उन्हें कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हाथों को सैनिटाइज करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मुंह पर मास्क लगाना जरूरी होगा। देखिए 9वीं से और 12वीं तक के जो बच्चे होते हैं वो तो अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अब भी समझाने की जरूरत है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गिरफ्तार 6 आतंकियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ISI की एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। स्पेशल सेल की पूछताछ में आतंकी जिशान ने कबूल किया है कि भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता था आतंकवादी मॉड्यूल। इतना ही नहीं, जिशान ने यह भी बताया कि कोविड के बाद हिंदुस्तान में इकोनॉमी टेररिज्म को आतंक अंजाम देने की कोशिश कर रहा था और पाक खुफिया एजेंसी ISI इसको पूरी तरह से बढ़ावा दे रही थी। इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग के दौरान यह भी बताया गया कि अगर धमाके ना कर पाओ तो भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचा। इस दौरान फैक्ट्री, गोडाउन, शोरूम और दुकानें जलाने के भी निर्देश दिए गए थे। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी साजिश देश के लिए रची जा रही थी। रेलवे के जरिए होने वाले कॉटन व्यापार को टारगेट करने के लिए कहा गया था। कॉटन से भरी बोगियों को धमाके से जलाना चाहते थे ताकि आर्थिक नुकसान ज्यादा हो सके। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि आतंकी जान मोहम्मद सीधे अनीस इब्राहिम और ISI के संपर्क में था। पूछताछ में आतंकी जान मोहम्मद ने कबूल किया है कि वो जबरन उगाही के लिए गोवा गुटखा कारोबारी के यहां भी धमाका कर चुका है और एक अनवर नाम के कारोबारी की हत्या भी कर चुका है। जान मोहम्मद से करीब 2.5 घंटे तक महाराष्ट्र ATS ने पूछताछ भी की। स्पेशल सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक बड़ा चेहरा बेनकाब हुआ और मस्कट में ISI ने बकायदा कुछ लोगों को सैलरी पर रखा हुआ था, जिसका काम था जो लड़के ट्रेनिंग के लिए टेरर कैंप जाते हैं उन्हें पानी के रास्ते मस्कट से पाकिस्तान पहुंचाना। तो पाक की नापाक हरकत पूरी तरह से यहां पर खत्म कर दी गई है, क्योंकि पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी। ऐसे में जो साजिश रची गई थी पाक द्वारा वो नाकाम हुई है। वहीं पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आम केंद्र के 3 कृषि कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरे होने पर आज काला दिवस मनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य भर में कैंडल मार्च भी निकालेगी। यहां एक बयान में आपके विधायक कुलतार सिंह साधवान ने कहा है कि देश भर में काले कृषि कानून के खिलाफ किसानों में रोष है। उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि 17 सितंबर 2020 को संसद में 3 काले कृषि विधेयक पारित हुए, इसलिए 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं श्रीमणि अकाली दल भी 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाएगा। आपको बता दें कि श्रीमणि अकाली दल पूरी तरह से
अलग हो चुका है बीजेपी से। इसके अलावा शिया कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद भवन तक मार्च की योजना भी बनाई है, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन बीते कई महीनों से दिल्ली से लगे हुए गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में भाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत की बड़ी भूमिका है। बता दें कि बीते मंगलवार दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में किसानों का अनोखा विरोध देखने को मिला। लोनी इलाके में किसानों ने जमीन समाधि विरोध शुरू कर दिया था। किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने, जमीन का मुआवजा बढ़ाने के अलावा अन्य कई मांग रखी थी। तो आज इस कानून के 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में अब किसान जो है आज प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन की योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर दिल्ली में प्रदर्शन होता है तो उसके लिए पहले से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट है। वहीं अगर पंजाब की बात करें, क्योंकि पंजाब से ही ये विरोध शुरू हुआ था, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी आज काला दिवस के रूप में से मनाएगी। वहीं श्रोमणी अकाली दल भी इसे काला दिवस के रूप में मनाने जा रही है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल इन कृषि कानूनों के पारित होने के बाद से ही बीजेपी से अलग हो गया था। हरसिमरत कौर बादल पूरी तरह से इस्तीफा देती हुई नजर आई थी। इसके अलावा जो भारतीय किसान यूनियन है उसके द्वारा भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैत की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है। तो ऐसे में आज विरोध लगातार देखने के लिए मिल सकता है। ट्विटर पर भी लगातार काला दिवस के रूप में ये बातें ट्रेंड करती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर यानी कि शुक्रवार और आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने भी पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की है। सीएम योगी ने कहा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आजीवन मां भारती की सेवा का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें राष्ट्र की सेवा करते रहने के लिए और अधिक ऊर्जा, प्रेरणा और स्वास्थ्य प्रदान करें। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए और 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद भी बांटा है। आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसे में जो खुशी की लहर है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है। इसके अलावा वाराणसी में कल घी के दिए जलाए गए थे और इसके अलावा 71 किलो लड्डू भी बांटे गए थे। आखिरकार लंबे समय बाद चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हटा दी गई है। वहीं जहां यात्रा पर रोक हटाए जाने से तीर्थ पुरोहित समाज में खुशी की लहर है, तो वहीं चारधाम से जुड़े व्यापारियों और मजदूरों में भी खुशी देखी जा रही है। उनका कहना है कि यात्रा पर रोक हटाने से उन्हें पहले के जैसे रोजगार मिल सकेगा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी। लोगों में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें कि कोविड के मामलों में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी और अन्य अव्यवस्थाओं से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 28 जून को चारधाम यात्रा पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी। वहीं इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेकर हाईकोर्ट को इस बारे में जानकारी दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख नियत कर दी थी। वहीं अब हाईकोर्ट ने सशर्त चारधाम यात्रा पर रोक हटा दी है, और जिससे तीर्थयात्री से जुड़े सभी लोगों में खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि वाकई खुशी की लहर जो है वो देखी जा सकती है। प्रदेश एवं देशवासियों को उत्तराखंड चारधाम यात्रा खुलने के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड महामारी को देखते हुए इस साल यात्रा नहीं चल पाई, उसके बाद बीच में सरकार ने खोलना चाहा था, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला चले गया और आज हाई कोर्ट ने यात्रा चारधाम यात्रा पे छूट दे दी है और सरकार ने 1200 यात्री बद्रीनाथ में
800 यात्री केदारनाथ में, 600 यात्री कुछ ऐसे गंगोत्री में, 600 यात्री यमुनोत्री में कहा है। मैं सरकार से बोलना चाहूंगा, एक साल से सारा व्यापारी जो है बेरोजगार है यहाँ पे, और सीमित यात्रा में यहाँ अगर यहाँ पे यात्री आएगा उससे व्यापार लोगों को नहीं चलेगा, लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ेगा। मैं सरकार से बोलना चाहूंगा कि सरकार अधिक से अधिक यात्रियों की सुविधा यहाँ पे कराए, ताकि देश एवं प्रदेशवासी और विदेश से जितने भी यात्री यहाँ पे आते हैं, यात्री अपने को सुरक्षा मान करके केदारनाथ और बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पे आए। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जो सरकार ने बहुत पहले पैरवी करनी चाहिए थी वो सरकार ने सही प्रकार से पैरवी की नहीं थी। आज कोर्ट के माध्यम से चार धाम यात्रा का सुचारू रूप से होने के जो आपने कोर्ट ने घोषणा की है, उसके लिए तमाम जो बेरोजगार युवा बैठे थे और जो होटल व्यवसायी कई दो साल से बैठे हुए थे, उनको रोजगार के साधन एवं एक रौनक से उत्तराखंड में छा जाएगी और लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। परंतु सरकार के माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो कोविड के जो नियम है उनके तहत हमारी जो यात्रा है उसका संचालन किया जाए, और एक बार फिर से कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सबकी बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि चार धाम यात्रा प्रारंभ हो। आज यात्रा को विधिवत खोलने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज जो यात्रा रूट के व्यापारी हैं और जो हमारा पंडा समाज है, उन सब की जो मांग थी उस मांग को एक सफलता हमको प्राप्त हुई है। मैं जानता हूँ कोरोना काल में विगत वर्ष भी जिस अपेक्षा के हम से यात्री को आना था वो आ नहीं पाए, और हम मुझे पूरा विश्वास है कि अभी यात्रा का लंबा समय है, लगभग 2 महीने से ज़्यादा यात्रा का समय है, और मेरा अपेक्षा रहेगी पूरे देश के सभी धर्मावलंबी नागरिकों से कि इस समय पर उत्तराखंड का मौसम सुहावना है और आप निश्चित रूप से यात्रा के लिए आएंगे तो बड़ी संख्या में आप चारों धामों के दर्शन करने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त। बोलो बदीशाल, भगवान की जय। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी चार धाम संघ और उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने चारों धामों की यात्रा खोल दी है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह हुई कि जो लोग इन 4 महीनों से इतने बेरोज़गार थे, वो लोग भी, उनको भी रोज़गार मिलेगा और वो भी अपना जीवन यापन कर सकेंगे। मेरा सभी चारधाम के वासियों को बहुत बहुत बधाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हैं जो इस चारधाम के मुहिम में जिन्होंने पूरा साथ दिया और उनके अथक प्रयास से आज यात्रा खुली है। मैं एक बार फिर से न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय बद्री विशाल। चौबट्टा काल पहुंचे आप नेता कर्नल अजय कोठियाल दिल्ली की तर्ज पर चाहते हैं उत्तराखंड का विकास। दरअसल पौड़ी के चौबट्टा काल आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका कीमती वोट आम आदमी पार्टी को देने की अपील भी की है। इसके साथ ही उन्होंने दर्जन भर लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कराई। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि वो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पलायन का मूल कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है, जिसकी स्थिति को हमें बदलना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और इसी के साथ दरवाजे पर बीजेपी और कांग्रेस के मंत्रियों के लिए भी खुले हैं। यानी कि उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी दूसरी पार्टी का उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है, सदस्यता लेना चाहता है, तो आसानी से वो आ सकता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।